हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। मोदी जी, आई लव यू, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। ये मसले हैं। सुबह शाम गोडसे को प्रणाम, जी ही सत्ता में आए तो तुरंत आ गए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नेहरू जी भी मोदी जी की तरह तानाशाही होते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते। ये इस देश की राजनीतिक विरासत है, इस देश का जमहूरियत का इतिहास है कि एक चाय बेचने वाला, इस दावे को मैं नहीं मानता हूं कि वो चाय बेचे कि नहीं बेचे, दंगे हुए स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं, और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। उन्होंने यह बात तय कर ली है, हम दो हमारे दो, डबल इंजन की सरकार बनेगी पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार मतलब चार लोगों का व्यापार, दो बेचेगा दो खरीदेगा, सीधा हिसाब है, इतना साफ है। जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा, और छोड़ दीजिए हम लोग तो कांग्रेसी हैं, भाजपा विरोधी हैं, भाजपाई भी नहीं बख्शे जाएंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आज हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। मोदी जी, आई लव यू, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। ये मसले हैं। सुबह शाम गोडसे को प्रणाम, जी ही सत्ता में आए तो तुरंत आ गए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं दावे से कहता हूं, हिंदू मुसलमान की एकता ना किसी राजनीतिक दल ने बनाई है, ना किसी राजनीतिक दल की कुव्वत है कि वो उसको समाप्त कर देगा। यह है संभव कि कोई हमको हमारे इतिहास से काट करके दिखा दे, और मैं बचाने के पक्ष में नहीं हूं, एक बात जान लीजिए, जो भी बचाने की बात करता है ना वो हारी हुई लड़ाई लड़ता है। बचाने से कुछ बचता है क्या? अगर बचाने से बचता ना तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते। है संभव? बचाने से कुछ बचता है? कुछ बात बिल्कुल सीधी है। देखिए, प्रधानमंत्री तो कोई एक ही आदमी बनेगा ना, मुख्यमंत्री भी कोई एक आदमी बनेगा, एमपी 545 बनेगा, और हर राज्य की अपनी असेंबली का फिक्स सीट है, तो सब सीट पे तो कोई ना कोई बैठा हुआ ही है ना। अगर आपको लगता है कि राजनीति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए करनी है सिर्फ, तब तो कोई वैकेंसी नहीं है, खाली ही नहीं है। कोई राज्य ऐसा है जहां मुख्यमंत्री नहीं है? जहां मुख्यमंत्री अगर नहीं होता है तो पहले भाजपा जो है वो ईवीएम नहीं तो एटीएम कोई ना कोई जुगाड़ करके, अगर बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री ही खरीद के ले आता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि इससे आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर तकलीफ नहीं हो रही है तब तो बम बम कीजिए, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हैं? बढ़िया जो है खाइए, बढ़िया मिठाई, बढ़िया कबाब, घूमिए जो है भूल भुलैया, इमामबाड़ा, क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री घंटा बनिएगा, मुख्यमंत्री क्या बनिएगा, तबला, इसको समझिए। फिर से कहता हूं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो कोई एक ही होगा, यह लड़ाई उससे ज्यादा बड़ी है। यह लड़ाई अपने उस इतिहास को पुनर्स्थापित करने की है कि देख भाई, यह भारत है, भारत की पौराणिक कथाओं से लेकर के भारत के ऐतिहासिक तथ्यों तक अगर हम बात करें तो हिरण्यकश्यप के खिलाफ उसका ही बेटा भक्त प्रहलाद खड़ा हो गया था। तैमूर लंक अपने घोड़े पे खड़ा था, तलवार लेकर के लूट रहा था, उसके सामने एक बच्चा बलकरण चाकू लेकर के खड़ा हो गया था। इस देश के इतिहास में हमने देखा है
श्रीमती गांधी से भी बड़ा किसी का रुतबा होगा। श्रीमती गांधी को एक चप्पल नहीं पहनने वाला आदमी चुनाव हरा दिया था। मैं सिर्फ आपको वही बात याद करा रहा हूं कि आपने हमारी गलतियों पर हमसे हिसाब मांगा और हमारा हिसाब किताब किया। आज भी आपके सामने उससे ज्यादा बड़ी गलती हो रही है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ईमान की बात है, अपने कलेजे पे हाथ रखिए, गलती अगर उससे बड़ी है तो उससे बड़ी सजा इसको देने की तैयारी कीजिए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। कहते हैं साहब, लुधियानवी साहब लिख करके गए हैं कि हमसे भी बेहतर कहने वाले आएंगे और आपसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे। आपको किस बात का गुमान है? अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं तो इनको तभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। किस बात का गुमान लेकर के ये चल रहे हैं? मैं कहता हूं कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए और देश बनाने के लिए लड़ा जाए। आज मसला प्रधानमंत्री का नहीं है, मसला मुख्यमंत्री का नहीं है, मसला है कि कौन ईमानदारी से छाती चौड़ा करके सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकता है, कौन इस देश की संस्कृति, न्याय और इसके मूल्य को लेकर के खड़ा हो सकता है, कौन इस देश की बहुदलीय व्यवस्था को सुरक्षित रख सकता है। मैं कहता हूं कि अगर नेहरू जी भी मोदी जी की तरह तानाशाही होते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते। ये इस देश की राजनीतिक विरासत है, इस देश का जमहूरियत का इतिहास है कि एक चाय बेचने वाला, इस दावे को मैं नहीं मानता हूं कि वो चाय बेचे कि नहीं बेचे, आप मुझे बताइए। हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं, दंगे हुए स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दू जोर दू बराबर चार राजनीति में नहीं होता है। एक बात आप सब लोग बताइए कि कांग्रेस अगर इतनी गई गुजरी है, हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं, और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। आखिर मसला क्या है? कोई व्यक्ति अगर इतना ही गया गुजरा है, कोई पार्टी अगर इतनी ही गई गुजरी है, फिर उसका नाम भी लेकर के हम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पहला प्रश्न आप ये सोच करके देखिए। जो ही आप इस प्रश्न को सोचेंगे तुम्हें आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर हैं। भाजपा ने यह तय कर लिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है, पास पढ़ते हम लोग हैं, अब फॉलो लगता है मोदी जी कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यहां तक नहीं है कि आप सोच लीजिए कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ है अपने ही विरोधियों का, आप इस बात को समझिए। उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, उन्होंने यह बात तय कर ली है, हम दो हमारे दो, डबल इंजन की सरकार बनेगी पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार मतलब चार लोगों का व्यापार, दो बेचेगा दो खरीदेगा, सीधा हिसाब है, इतना साफ है। जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा, छोड़ दीजिए हम लोग तो कांग्रेसी हैं भाजपा विरोधी हैं, भाजपाई भी नहीं बख्शे जाएंगे, ये बात आप जान लीजिए। ये जो आर पार की लड़ाई है, हमको भी अपना एक पोल चुनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ना उस मेरे यहाँ एक खेल होता है बचपन में, लोग खेलते हैं कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना, चार कोना में बच्चे खड़े रहते हैं और उसमें एक चोर बनाता है तो जाकर के पूछता है कोना कोना कौन कोना, तो कहता है वो कोना, कोना कोना कौन कोना तो वो कोना। हम सपा बसपा आरजेडी जेडीयू आम आदमी पार्टी ये कोना कोना नहीं खेलना चाहते हैं। हर किसी का अपना एक राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक राजनीतिक समझदारी होती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरी राजनीतिक समझदारी सबसे अच्छा है, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं, अगर इस बात में किसी की असहमति हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, कांग्रेस के बिना इस देश में कोई मुकम्मल विपक्ष नहीं बन सकता है, यह सच है।
और जहां तक त्याग का सवाल है, मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि अगर वह नेतृत्व इस देश के संवैधानिक मूल्यों से समझौता किया होता, दावे से बोल रहा हूं इस बात को, अगर वह नेतृत्व पूंजीपतियों के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक दिया होता, अगर वह नेतृत्व इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया होता, तो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती। यह बात जान लीजिए कि हम विपक्ष में इसलिए हैं कि हमने राजनीति में दल से ऊपर विचार को और मूल्य को समझा है। हमको एक अभी साथी ने कहा कि छोड़ना मत यार। हम बोले साहब, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, तब हम आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं और आपके टैक्स के पैसे से हम पीएचडी पढ़े हैं, पीएचडी ईमानदारी से किए हैं, स्मृति ईरानी की तरह झूठा डिग्री नहीं बनवाए हैं। मेरा डिग्री ओरिजिनल है, खून पसीना एक करके पढ़ाई किए हैं, इसीलिए मेरी पढ़ाई आपका नमक ये हमको बताता और ये समझाता है कि ये देर जरूर हो रही है, विलंब जरूर हो रहा है, हमारा रास्ता सही है, हम मंजिल जरूर पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। और मैं बचाने के पक्ष में नहीं हूं, एक बात जान लीजिए, जो भी बचाने की बात करता है ना, वो हारी हुई लड़ाई लड़ता है। बचाने से कुछ बचता है क्या? अगर बचाने से बचता ना, तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते। है संभव? बचाने से कुछ बचता है? कोई भी भाजपाई भी अगर इस दो के खिलाफ बोलेगा ना, चाचा भतीजा के खिलाफ, प्रधानमंत्री खड़ा होकर के परिवारवाद का भाषण देते हैं, मेरे आंखों के सामने खूबसूरत सा जय शाह का चेहरा सुंदर मुस्कुराता हुआ घूमने लगता है, क्या काबिलियत है उसकी, क्या क्या काबिलियत है उसकी? किसी भी बात पे एक चीज की अगर डिलीवरी हो गई हो, उस पर अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाए, तो हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक भी चीज की डिलीवरी नहीं की है, और कोई भी अगर उस पर सवाल खड़ा करेगा, तो सीधे तौर पे उसको हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला जाएगा। दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।